उसको म्यूट करवा दीजिए, आपकी वॉइस थोड़ी सी कम हो रही है। सभी को म्यूट कर दिया मैंने। ओके ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे अवर लेक्चर इज कौन सा ग्रुप है? ग्रुप फोर। ओके, ग्रुप फोर इंक्लूडिंग नोइंग एंड कैटिंग, रोइंग, टेबल टेनिंग, स्विमिंग और शूटिंग। वी हैव 1 2 3 4 5 6 डिसिप्लिन इन दिस गेम। ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अनीता प्रवीण सिंह राठौर, यू हैव रेज योर हैंड, मेरी आवाज आ रही है? ओके यस, लेट अस स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज बॉडी कॉम्पोजिशन, विच इज इंक्लूडिंग इन स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का ही एक टॉपिक है कौन सा? बॉडी कॉम्पोजिशन। माई सेल्फ आई गिव माई इंट्रोडक्शन, सुखदीप सिंह कंग, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, NIS पटियाला। टूडेज अवर लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू बॉडी कॉम्पोजिशन एंड इट्स रोल इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम बॉडी कॉम्पोजिशन का पता करेंगे, क्या होता है, व्हाट इज बॉडी कॉम्पोजिशन, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड इट्स रोल इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर स्टडी, आज की जो स्टडी है इसके कौन कौन से मेन पहलू हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट आर द मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर स्टडी? दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज बॉडी कॉम्पोजिशन, सेकेंड वन इज डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन, नेक्स्ट वन इज रेफरेंस वैल्यू फॉर मेल एंड फीमेल बॉडी कॉम्पोजिशन, मेल और फीमेल की बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, एक नॉर्मल एवरेज मेल और फीमेल का बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा होता है। द नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन, कौन कौन से वेज हैं, मेथड हैं जिससे बॉडी कॉम्पोजिशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के गैजेट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स में बॉडी कॉम्पोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन, क्या रोल प्ले करता है, व्हाट रोल प्ले बॉडी कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, वो देखेंगे। देन बॉडी कॉम्पोजिशन को हम VHR और BMI से भी देख सकते हैं। VHR है वेस्ट हिप रेशियो एंड नेक्स्ट वन इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इनसे भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर, अपना असर डाल रहे हैं, विच अफेक्ट बॉडी कॉम्पोजिशन, अल्टर द बॉडी कॉम्पोजिशन, दोज फैक्टर्स आर डिस्कस्ड हियर। ओके, प्रवीण सिंह राठौर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, वरुण शुक्ला और दुष्यंत सिंह सिसोदिया और अनीता त्वेतिया, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपने कोई क्यूरी है तो आप अपना चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है साथ में। ओके प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी बॉडी कॉम्पोजिशन, ओनली 198 199 सब्जेक्ट्स आर देयर, काइंडली अपने साथियों को बोल दीजिए कि वो ज्वाइन कर लें। ओके, बॉडी कॉम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, बोन, वाटर, मसल इन द बॉडी। बॉडी कॉम्पोजिशन में हम किसको डिस्क्राइब करते हैं, आपकी बॉडी में कितना फैट, बोन और वाटर है, मसल्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को हम बॉडी कॉम्पोजिशन कहते हैं। मेनली हम कह सकते हैं कि बॉडी कॉम्पोजिशन कंपोज्ड ऑफ योर टोटल बॉडी वेट हैविंग फैट, बोन, वाटर और मसल्स। बॉडी कॉम्पोजिशन आपका टोटल बॉडी वेट ही है, जिसमें कितना कौन सा कंपोनेंट है उसको देखते हैं, जैसे आपकी बॉडी में फैट, बोन, वाटर और मसल टोटल आपकी बॉडी का वेट मिलके बनाते हैं, तो उसको ही हम बॉडी कॉम्पोजिशन में देखते हैं। मेजरिंग योर बॉडी कॉम्पोजिशन विल टेल यू योर ओन बॉडीज यूनिक मेकअप एंड हेल्प यू आइडेंटिफाई एरिया टू वर्क ऑन टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। ओके, हम बॉडी कॉम्पोजिशन मॉनिटर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम पहली बात अपनी बॉडी को चेक करते हैं कि कौन से एरिया के ऊपर काम होना चाहिए, किसी लिम्स के ऊपर फैट ज्यादा है,
मॉस्कुलेचर नहीं है, वीक बॉडी है। हेल्थ और फिटनेस के लिए हम आपकी बॉडी के ऊपर काम करते हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए वी हैव टू चेक बॉडी कंपोजिशन। ओके, अदर डेफिनेशन ऑफ बॉडी कंपोजिशन इज, बॉडी कंपोजिशन डिस्क्राइब्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ फैट बोन मसल मास इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो आपके टोटल प्रोपोर्शन में अलग अलग हिस्सों में आपकी बॉडी का वेट को डिवाइड किया गया है, इंक्लूडिंग फैट बोन मसल मास इन द बॉडी। ओके, हमारी जो बॉडी का टोटल फैट बोन और मसल है, यही टोटल कंबाइन होके हमारी बॉडी का बॉडी कंपोजिशन बनाता है। बॉडी कंपोजिशन इज इक्वल टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फैट मास और फैट फ्री मास। देयर इज अ सेकंड डेफिनेशन, वी आल्सो से बॉडी कंपोजिशन इज इक्वल टू फैट मास प्लस फैट फ्री मास। ओके, फैट फ्री मास इंक्लूडिंग योर बोन मसल और फ्लूइड पोर्शन। ओके, बोन वाटर मसल कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स टिश्यूज और टीथ, ये सारा किसका पार्ट है? ये आपका फैट फ्री मास का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस देयर डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी कंपोजिशन। कौन कौन से आपकी बॉडी में डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी के मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं? ओके, कौन कौन से लेवल पे हमने आपकी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है? एज ए यूनिट हम होल आपकी बॉडी को देखते हैं, तो अपनी बॉडी को देखते हैं तो वो क्या है? होल बॉडी लेवल, ठीक है, जिसमें आपका हेड है, ट्रंक है, अपेंडिजेस हैं, आपके लिम्ब्स हैं। जैसे हम बाहर से आपको देखते हैं, किसी भी इंसान को देखते हैं, सामने कोई भी हमारे मेल फीमेल खड़ा होता है, उसकी हाइट, उसके हेड और उसके बॉडी के लिम्ब्स, ट्रंक हम देख सकते हैं विद नेक्ड आई। ओके, इसको हम बॉडी को एज ए होल ट्रीट करते हैं कि जो आपका टोटल बॉडी वेट है उसमें हेड का, ट्रंक का और आपके लिम्ब्स का कितना रोल है। क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपको? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें ये प्रेजेंटेशन है? मिस्टर चैतन्य, ओके, एक मिनट, मैं दोबारा से इसको बंद करके ऑन करके देखता हूँ। ओके, दोबारा से शेयर करता हूँ, काइंडली चेक कीजिए। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है, मैं इसको चैट बॉक्स को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना? ओके, बबन दी कॉर शूटिंग, आपको दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, प्लीज ऐसे कीजिए, कुछ जगह पे आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने भी अपना वीडियो बंद कर रखा है। तो जिनके नेट की दिक्कत नहीं है उनको तो स्क्रीन दिख सकती है, पर जिनको दिक्कत है उनके नेटवर्क की, तो अपना वीडियो बंद कर लीजिए, अपना मेरी ऑडियो सुनिए और आपके सामने ये ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी जो हमारे स्क्रीन को शो होगी, ठीक है? तो ड्यू टू पुअर नेट कनेक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। ओके, ओके, होल बॉडी लेवल जो क्लासिफिकेशन है बॉडी कंपोजिशन, उसमें हम टोटल होल बॉडी को कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग योर हेड, ट्रंक और अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मीन योर लिम्ब्स, लोअर लिम्ब्स लेग्स और अपर लिम्ब्स योर आर्म्स। ओके, तो इनका कितना लेंथ है, ब्रेथ है और इनमें कितने प्रोपोर्शन में फैट है, मसल है, बोन है, इसको हम कंसिडर करके चलते हैं इन होल बॉडी। द नेक्स्ट वन इज वी सी टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल क्लासिफिकेशन। हियर वी सी योर बॉडी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज विच योर होल बॉडी मेक्स। ओके, जो आपका ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी में जो वेट है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनी हुई बॉडी है हमारी। जो आवर बॉडी है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलके बनी हुई है। कौन कौन से हैं? एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, स्केलेटल मसल, जो आपके लिम्ब्स के ऊपर वाला मसल्स हैं, ठीक है, बोन्स के ऊपर वाला मसल्स हैं, उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बोन इन योर बॉडी, डिफरेंट बोन्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट देयर लेंथ एंड डिफरेंट देयर डायमीटर्स एंड डिफरेंट देयर वेट। एवरी पर्सन है डिफरेंट बोन वेट। ओके, तो जो आपका हड्डियों का वजन है, जो आपकी बोन्स का वेट है, उसको हम बोन में कंसिडर करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होती हैं। मसल के सेल डिफरेंट होंगे,
फैट के सेल डिफरेंट होगी। ओके, तो ये काफी ज्यादा सेल्स इकट्ठे होके क्या बनाती हैं, एग्रीगेट करके एक टिश्यू बना देती हैं। तो हम उस लेवल पे क्लासिफिकेशन करेंगे, टिश्यू लेवल पे और ऑर्गन लेवल पे। जैसे हार्ट है, हार्ट में सिर्फ कार्डिक मसल्स होंगे, ठीक है, और कार्डिक मसल्स डिफरेंट होंगे स्केलेटल मसल से, ठीक है। इसी तरह बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट्स, बोन्स के सेल होंगे, वो मसल और नर्व सेल के जैसे नहीं होंगे। फैट के सेल फैट के सेल्स की तरह होंगे, वो मसल और बोन टिश्यू से डिफरेंट होंगे, और काफी ज्यादा फैट के सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यू बनाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज विसरल ऑर्गन्स। लाइक आवर बॉडी हैव सम वाइटल ऑर्गन्स इन आवर ट्रंक, जैसे लंग्स, किडनी, स्प्लीन, पेनक्रिया, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे क्या हैं हमारी बॉडी में, वे वाइटल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स, जो हमारे जो अबडोमिन कैविटी है उसमें पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। अदर टिश्यूज इंक्लूडिंग योर बॉडी हैव सम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जैसे बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू है, ठीक है, लिम्फ नोड्स में होती हैं जैसे हमारी बॉडी में, और आपकी बॉडी में ब्लड है, ठीक है, जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऑल दीज थिंग्स, इंक्लूडिंग टिश्यू ऑर्गन लेवल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम टिश्यू लेवल पे डिस्कस करते हैं। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल हम सेल के, अगर टिश्यू कहाँ से बनेगा, सेल से बनेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स एग्रीगेट टू मेक टिश्यू और ऑर्गन। यहाँ पे हम सिंपली एक ऑर्गन के बीच में भी देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मेनली कौन से होते हैं, जैसे सेल्स, एक एडिपोसाइट्स की मैंने एग्जांपल ली है कि जो फैट के सेल होते हैं, ठीक है, इसी तरह मसल्स के सेल हो सकते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इसी तरह नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह कनेक्टिव टिश्यू में जैसे हम ब्लड के RBC वो भी एक सेल है, WBC वो भी एक सेल है, प्लेटलेट वो भी एक सेल है, लिम्फोसाइट्स वो भी, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम सेलुलर लेवल पे नहीं जाएंगे, सेलुलर लेवल पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डन इन बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल मेथड्स। अभी सेल्स के जो बने हुए हैं सेल्स, उनके जो बाहर का फ्लूड है, आउटसाइड द सेल इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और एक्स्ट्रा सेलुलर सॉलिड्स। हम वहां पे उनको वॉच कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर लेवल। सेल कैसे बनेगा, सेल बनाने के लिए हमें देर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीडेड। ओके, फॉर एवरी सेल, सेल्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, लाइक वाटर, सेल्स में वाटर भी पाया जाएगा, लिपिड्स भी होंगे, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, और कुछ मेटल्स भी होती हैं, जैसे RBC होते हैं। RBC में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड किसके, हीम की वजह से होता है, हीम मीन्स आयरन, वो क्या है, एक मेटल है, ठीक है, और वो कुछ प्रोटीन, लिपिड्स और दूसरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलके मिनरल और डिफरेंट कोएंजाइम्स बना देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, दोज टू और टू से ज्यादा मिलके जो सेल्स बनाते हैं उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। टू एटम्स, सॉरी नॉट सेल्स, टू जो एटम्स होते हैं मिलके, जैसे H2O है, वाटर का फॉर्मूला है H2O, H2 क्या है, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, इससे हम मॉलिक्यूलर लेवल की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। इसी तरह लिपिड्स, प्रोटीन में सल्फर भी होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ मेटल मिलके ये कोएंजाइम्स और को फैक्टर बना देते हैं, वो बायोकेमिकल पार्ट है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। द नेक्स्ट वन इज अटोमिक लेवल, जो सबसे नीचे वाला है। यहाँ पे हम एटम लेवल पे, एलिमेंट लेवल पे देखते हैं, लाइक आपकी बॉडी का जो टोटल वेट है, उसमें कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन है, कितनी हाइड्रोजन है, कितनी नाइट्रोजन है। मोस्टली ये सारे एलिमेंटल फॉर्म की क्लासिफिकेशन है अटोमिक लेवल। ओके, इसमें जो हमारे मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, दीज आर द आल्सो एटॉमिक लेवल, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे हम कुछ एटम्स इकट्ठे होके गेट टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट टुगेदर टू फॉर्म सेल, सेल एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन और ऑल टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म
योर हेड ट्रंक अपेंडेज इज योर होल बॉडी. इस तरह से एटम मॉलिक्यूल सेलुलर टिश्यू लेवल एंड देन होल बॉडी. इस तरह से आपकी बॉडी लोअर टू हायर साइड के ऊपर बिल्ट होती है, जो आपका टोटल बॉडी वेट है. दिस इज द बॉडी कॉम्पोजिशन एट डिफरेंट लेवल्स. वी आर डिस्कसिंग हियर इन स्पोर्ट्स टिश्यू लेवल और होल बॉडी लेवल क्लासिफिकेशन. ओके, बिकॉज हमने स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस लेनी है प्लेयर से, तो हम आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप का टिश्यू है उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसको वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और एज ए कंसिडर योर होल बॉडी को कंसिडर करते हैं कि ओवरऑल बॉडी उस आउटपुट क्या देती है इन दैट स्पोर्ट्स. ओके, जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, फरीहा अती स्विमर है कोई, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, काइंडली आप बाकियों को स्क्रीन दिख रही है, एवरीवन काइंडली अप्लाई इन चैट बॉक्स, आर यू सी द स्क्रीन? ओके, सभी को दिख रही है मैडम, आप फाहिमा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. बहुत से जैस आ चुके हैं, एवरीवन से जैस. तो आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी गैजेट है उसको ऑफ करके ऑन कर लीजिए दोबारा से. ओके, सो दैट कि कोई नेटवर्क इशू हो या कोई आपका गैजेट में कोई दिक्कत ना हो. ओके, देन नेक्स्ट वन इज, ओके, चैट बॉक्स में भाई सभी ने बहुत से हैंड रेज कर रखे हैं, तो आप पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज कर रखे हैं, आप काइंडली अपना कोई भी क्यूरी है तो कोई दिक्कत आ रही है इस लेक्चर में तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज आपका डिस्कशन में. सर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेस 5 की. अरे मुझे कुछ इतना भाई नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, 5 की किस लिए है, कुछ और ना गड़बड़ हो जाए, तो हम प्रेजेंट देख रहे हैं. ओके, फरीहा अतीक आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, कैन प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश? ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, अभी वी आर बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश और हिंदी, नेटवर्क प्रॉब्लम है इनकी. ओके, थैंक यू कपिल ठाकुर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट दिस स्लाइड. वी विल गिव सम इंफॉर्मेशन टू यू रिगार्डिंग द डिस्कशन क्लास. यू रेज योर हैंड इन डिस्कशन और ऑल्सो इन चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वाइल गिविंग माई प्रेजेंटेशन और माई वॉइस इज नॉट क्लियर और आई एम स्पीकिंग इन ओनली हिंदी और आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन यू कैन पुट इन चैट बॉक्स. और इफ यू कॉन्ट अंडरस्टैंड एनी थिंग देन यू कैन पुट इन चैट बॉक्स योर व्यूज, आई विल करेक्ट और मैनेज दैट थिंग्स. ओके, अदरवाइज मेनली अवर डिस्कशन शुड बी इन डिस्कशन क्लासेज 3:30 टू 4 और 4 टू 4:30, टू इन टू टू ग्रुप्स. ओके ओके ओके, थैंक यू. आपको आपको दिखाई देने लगा है. ओके, देन नेक्स्ट बॉडी कॉम्पोजिशन, वी कैलकुलेट योर बॉडी वेट इन किलोग्राम एंड परसेंटेज एंड व्हाट इज द योर बॉडी वेट कॉम्बिनेशन ऑफ फैट मास और लीन बॉडी मास. ओके, एलबीएम, वी से एलबीएम. फैट मास आल्सो कैलकुलेट इन परसेंटेज और किलोग्राम्स और लीन बॉडी मास आल्सो कैलकुलेटेड इन किलोग्राम्स एंड परसेंटेज. ओके, हम बॉडी वेट is equal to fat mass or lean body mass. That is your body composition. If we further calculate lean body mass, we found lean body mass have three components: muscle mass, bone mass, or mitral mass. अगर हम देखते हैं कि lean body mass को further divide करें, तो हमारे पास muscle mass, bone mass और mitral mass आ जाता है. तीनों को plus करेंगे, that is your lean body mass calculated in kilograms or percentage. Muscle mass is your skeletal muscle weight. Okay. Bone mass is your bony tissue weight and remainder mass is your body visceral organs weight or fluid in your body. Okay. Body weight is equal to, then we combine these two equations, we see, we put lean body mass, this picture to here, we found fat mass plus muscle mass plus bone mass plus remainder mass. Agar main this equation ko lean body mass ko is equation mein fit kar dun lean body mass ki जगह पे, तो क्या होगा? फैट मास प्लस मसल मास प्लस बोन मास प्लस रिमाइंडर मास. ओके, देन हाउ वी कैलकुलेट रिमाइंडर मास? बिकॉज वी कैलकुलेट फैट मास बाय डिफरेंट गैजेट्स लाइक स्किन फोल्ड, बॉड पॉड, लेटर ऑन वी विल डिस्कस. ओके, मसल मास बाय सर्कमफ्रेंस, बोन मास बाय डायमीटर्स, बट रिमाइंडर मास हाउ वी कैन कैलकुलेट फ्लूड और रिमेनिंग फ्लूड इन अवर बॉडी और विसरल ऑर्गन्स वेट? It is calculated by using this equation. Okay, total body weight minus
फैट मास प्लस बोन मास प्लस मसल मास, एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज थ्री, फैट मास, बोन मास और मसल मास कंबाइंड ऑल दीज थ्री एंड माइनस फ्रॉम टोटल बॉडी वेट। अगर हमने रिमाइंडर मास निकालना है तो क्या करेंगे, बॉडी वेट में से माइनस किसको करेंगे, फैट, बोन और मसल तीनों को प्लस कर लेना है, देन माइनस फ्रॉम टोटल बॉडी वेट। ओके, देयर इज सम डिफरेंस इन फैट फ्री मास और लीन बॉडी मास। प्लीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इन दिस ग्रीन सॉरी इन ब्लू पोर्शन, फैट फ्री मास, सम गैजेट इन अवर एंथ्रोमेट्री वी कैलकुलेट फैट फ्री मास एंड सम गैजेट कैलकुलेट लीन बॉडी मास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट फ्री मास और लीन बॉडी मास? एक्चुअली फैट फ्री मास इज टोटली 100% लीन टिश्यू। ओके, देर इज नो सिंगल अमाउंट ऑफ फैट फैट पोर्शन। ओके, बट इन लीन बॉडी मास देर इज ए फैट कॉल्ड असेंशियल फैट, दिस इज असेंशियल फैट, ओके, विच रिक्वायर्ड टू रन योर बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम। आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, रन करने के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं, एक दूसरे से साथ बात करते हैं, इंटेस्टाइन अपना काम करती है, हार्ट बीट हो रही है, तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी। तो इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल फैट चाहिए, तो वो कहाँ से आती है, ये फैट होती है वो, ठीक है, वो लीन बॉडी मास का पार्ट होती है। अगर मैं उसको भी माइनस कर दूं फैट फ्री मास से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आप फैट फ्री मास आ जाएगा, अगर उसको मैं लीन बॉडी मास से माइनस कर दूं। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वन विद वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, योर बॉडी वेट इज 75.1 किलोग्राम, योर फैट परसेंटेज इज 23.6%, देन वी कैलकुलेट फैट मास। दिस इज टोटली मैथमेटिकल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फैट इंटू किलोग्राम फैट मास। ओके, परसेंटेज को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा फार्मूला है, वही मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट विद फैट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ जाएगा आपका, 75.1 इंटू 23.6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 17.72 किलोग्राम, योर फैट मास इन किलोग्राम, योर फैट परसेंटेज इज 23.6। यहां पे आपकी फैट परसेंटेज 23.6 है कब, व्हेन योर बॉडी वेट इज 100 kg, व्हेन योर वेट इज 75, देन योर बॉडी वेट मास फैट मास इज 17.72 किलोग्राम, देन वी कैलकुलेट फैट फ्री मास, बॉडी मास माइनस फैट मास। योर बॉडी वेट इज 75.1 किलोग्राम माइनस द कैलकुलेटेड फैट मास इन किलोग्राम, दैट इज योर फैट फ्री मास। हम फैट फ्री मास बॉडी मास से जो फैट मास कैलकुलेट यहां पे किया है उससे माइनस कर देंगे, देन वी कैलकुलेट योर फैट फ्री मास। सॉरी, एंड नेक्स्ट इज टिपिकल बॉडी कंपोजिशन ऑफ एडल्ट मैन एंड वुमेन। एक टिपिकल जो एवरेज मेल और वुमेन है, मैन और वुमेन, उनका कैसा होता है फैट बॉडी कंपोजिशन में, फैट, मसल और बोन टिश्यू और रिमाइंडर मास। ओके, इस स्लाइड में हम वो देखेंगे। द डार्क ब्लू एरिया इज योर मसल मास, 43% अप्रोक्सीमेट, इन अप्रोक्सीमेशन सम पर्सन हैव 40%, सम हैव 45%। ओके, दिस इज द राउंड अबाउट फिगर, 43% अप्रोक्सीमेटली इन मैन एंड 36% इन फीमेल्स। मसल वेट इज मेल्स और फीमेल में 43 to 36% तक मसल वेट पाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज असेंशियल फैट, दिस इज डार्क येलो पोर्शन, 3% राउंड अबाउट। ओके, 3% मेल्स में और फीमेल में 12% राउंड अबाउट पाया जाता है असेंशियल फैट, बिकॉज फीमेल्स हैव मोर असेंशियल फैट विद रिस्पेक्ट टू मेल, बिकॉज रीजन इज द फैट इज इन फीमेल इज सेक्स स्पेसिफिक फैट, फीमेल्स में कुछ सेक्स स्पेसिफिक फैट होती है, ठीक है, वो असेंशियल बॉडी फैट का ही हिस्सा होता है, तो फीमेल में हायर एंड पे असेंशियल फैट पाई जाती है। उसके बाद है 14% आपकी बॉडी में स्टोरेज फैट है, शेडेड थोड़ा सा, इतना डार्क नहीं है, थोड़ा सा फीका हो चुका है ये रंग, जो 14% है वो स्टोरेज फैट है मेल में और 15% है फीमेल्स में। ओके, जो आपके लिम्स के ऊपर, ट्रंक के ऊपर फैट, स्किन के नीचे वाली फैट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फैट, दैट इज स्टोरेज फैट बिलो
अपर बॉडी स्किन और अबव द मसल्स, जो आपके लिम्स के ऊपर मसल्स के ऊपर फैट पाई जाती है, दैट इज सबक्यूटेनियस फैट, एडिपोज टिश्यू और स्टोरेज फैट, 14% इन मेन एंड 15% इन फीमेल्स. देन नेक्स्ट इज बोन वेट. मेल हैव मोर बोन वेट, दैट इज 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, एंड फीमेल हैव 12% ऑफ टोटल बॉडी वेट. इन फीमेल्स बोन्स आर लाइटर, शॉर्टर और स्मूथ बोन्स इन फीमेल विद रिस्पेक्ट टू मेल. ओके, इससे पहले वाला फैट परसेंटेज है. जो फैट परसेंटेज ये स्टोरेज फैट है जो आपके बॉडी में लिम्स के ऊपर पाया जाता है, आपके मसल्स के अराउंड पाया जाता है जो फैट, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज फैट और सबक्यूटेनियस फैट और एडिपोज फैट. ओके, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल फैट. 14% इन मेन एंड 15% इन फीमेल्स. बोथ हैव 25% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज रिमाइंडर मास, द रिमेनिंग और अदर टिश्यू वेट इज 25%. ओके, इन बोथ मेल और फीमेल्स. स्टोरेज फैट जो आप लिख रहे हो अजय सिंह जी, दैट इज योर फैट स्टोर्ड इन बिलो द योर स्किन, जो आपकी ऊपर वाली स्किन है जिसको आप टच करके हाथ के ऊपर या आपके मसल्स के बाइसेप ट्राइसेप के ऊपर देख रहे हो, इसके स्किन के नीचे वाली फैट है, ये लिम्स वाली फैट है, दैट इज योर स्टोरेज फैट, और ट्रंक के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, अब्डोमिन के ऊपर. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज, उसी स्लाइड को मैंने डिफरेंट वे में आई पुट ऑल दीज इन हिंदी. ओके, हिंदी में भाई, इंग्लिश वालों को मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ही कर रहा हूँ. हिंदी वाले कह रहे हैं कि हिंदी में, तो इंग्लिश वाले कह रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है क्योंकि उनको दिक्कत आएगी फिर अगर मैं हिंदी में हूंगा, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश और हिंदी. ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इन हिंदी और इंग्लिश ऑल्सो इन द डिस्कशन क्लासेस. ओके, ए वो टॉक अबाउट मेल और फीमेल. ओके, चर्बी, हाँ अच्छा, चर्बी लिखा हुआ है हिंदी में, मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है. पंकज सिंह जी, ठीक है ठीक है, इतनी हिंदी नहीं भैया मुझे, तो फिर तो मैं एक दिन दो चार टॉपिक ही पकड़ के बैठ जाऊंगा सारा दिन. ओके, एनी हाउ, रेफरेंस मैन और वीमेन जिनका एज मैंने 20 to 24 ईयर्स के बीच में लिया है, मेल और फीमेल, जो रेफरेंस एवरेज मेल और फीमेल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, द पर्सन मेल हैव हाइट 174 सेंटीमीटर, स्टेचर इज हाइट, योर बॉडी हाइट, योर बॉडी लेंथ, एंड फीमेल 163.8 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि एवरेज मैन हैव 70 kg वेट, देयर लीन टिश्यू इज 61.7 kg, और इन ब्रैकेट वी ऑल्सो राइट इन परसेंटेज और टोटल बॉडी वेट, 88% लीन बॉडी मास, 31.3 kg मसल वेट, दैट इज 44.7% ऑफ टोटल बॉडी वेट. मैंने भैया रिवाइज नहीं करवाना, डिस्कशन करनी है आपके साथ, जो आपको नई डाउट है वो बताऊंगा. ओके, डिस्कशन के लिए आधा घंटा है, तो काइंडली आप उस लेक्चर पे ध्यान दीजिए. ओके, देन नेक्स्ट है आपका बोन वेट. बोन वेट इज 10.4 kg और 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट. हेयर इन येलो पोर्शन, आप येलो पोर्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, तो यहाँ पे टोटल फैट है 15% इन मेन और 10.5 kg. अगर इनको मैं दोनों को टोटल करूं, स्टोरेज फैट और असेंशियल फैट, यहां से आप, मैंने इसीलिए ये स्लाइड बनाया है, वी आर शोइंग दिस स्लाइड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. असेंशियल फैट इज 3%, 12% इज स्टोरेज फैट, टोटल फैट इज 15%, 12 + 3. ओके, तो काइंडली नोट दिस, नेवर मिक्स असेंशियल फैट विद स्टोरेज फैट. योर टोटल फैट इज 15%, विच इज इंक्लूडिंग इन द स्टोरेज फैट ऑल्सो. टू मेक दिस, सम गैजेट्स मेजर स्टोरेज फैट, सम गैजेट मेजर होल दिस फैट. ओके, लाइक स्किन फोल्ड मेजर योर 12% फैट, बट इफ वी गो टू वीसीए, योर फैट परसेंटेज 15%, 3% इज दिस वन, दिस इज लीन बॉडी मास. ओके, दिस इज टोटल स्टोरेज फैट, अपना फैट फ्री मास. ओके, तो इन चीजों को आप डिफरेंस करके रखिए ध्यान से. ओके, तो यहाँ पे इसी तरह फीमेल्स का है, 56.7 बॉडी वेट, 48.2 किलोग्राम और 85% लीन टिश्यू, 20% योर
मसल वेट थे 20.4 kg और 36% मसल वेट, 6.8 किलोग्राम बोन और 12% बोनी टिश्यू और 27% हियर यू कैन आल्सो सी 27 टोटल परसेंटेज, हेयर स्टोरेज इज 15% एंड देयर इज 12% एसेंशियल फैट इन फीमेल्स। लेवल ऑफ फैटनेस, लेवल ऑफ फैटनेस कैसा होना चाहिए मेल और फीमेल में, देर आर डिफरेंट बॉर्डर लाइन्स वी सेट। That is essential fat 3 to 5% in men, 9 to 12% in women's. Borderline, that is the that borderline where your fat below this level, there are some harmful disorder in your body. ये borderline इसलिए रखा हुआ है मैंने 6 to 9 in male और 11 to 16 in women's, because अगर इससे नीचे चला जाता है fat 6 से और 11 से in females, तो आपकी body में metabolic disorder आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी body using this essential fat which cause abnormality in your body. Later on slides में जाके आपको कुछ दिखाएंगे कि essential fat अगर use होगी तो कौन से disorder आते हैं। okay? Good fitness or health. Every individual want good or fit health. Fitness for you, they have good health. हर इंसान अच्छी सेहत चाहता है और fitness fit रहना चाहता है, तो उनके लिए ये है कि उनकी बॉडी का फैटनेस लेवल इस रेंज में रहे, 10 to 20% इन मेन, 70 to 28%। मार्जिनल फिटनेस इन सेडेंटरी पीपल्स, जो कुछ काम नहीं करते, अपना हार्ड वर्क नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, काम तो करते हैं पर फिटनेस के रिगार्डिंग कोई हेल्थ के रिलेटेड नहीं करते, तो क्या होता है उनका मार्जिनल फिटनेस, तो फैट थोड़ा सा हायर एंड पे होती है, दैट इज 21 to 25% इन मेन, 29 to 35% इन वीमेन। If some person are totally sedentary lifestyle, अगर किसी का बिल्कुल ही कोई काम नहीं करते फिजिकल एक्टिविटी, तो उनका 25% से ऊपर फैट हो जाता है। जैसे सिटिंग जॉब्स हैं लोगों की, या कोई शॉपकीपर हैं सिटिंग जॉब्स में हैं, तो उनका क्या होता है, तो 25% से ऊपर फैट होने के चांसेस हैं। डिपेंड ऑन कि वो न्यूट्रिशन कैसा ले रहा है। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एवरी सिटिंग पर्सन हैव हायर फैट, ओके, बिकॉज वो अपना सेडेंटरी लाइफ के, उनका बॉडी का जेनेटिक मेकअप भी ऐसा हो सकता है कि उनमें फैट कम हो, पर उनमें स्टोरेज फैट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, अबाउट 25% इन मैन, अबाउट 35%, दैट इज हार्मफुल फॉर देयर बॉडी। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका फैट नीचे चला जाता है एक लिमिट से ज्यादा, दैट इज आई ऑल्सो कॉल्ड बॉर्डर लाइन, जैसे मैंने ये कहा है बॉर्डर लाइन 6 से नीचे और 11 से नीचे इन फीमेल्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लीज वेट कीजिए एक मिनट, कोई मेरे रूम में कोई आया है, प्लीज फॉर फ्यू। ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके ओके, दैट इज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वेरी लो लेवल ऑफ फैट। इफ सम पर्सन हैव वेरी लो लेवल ऑफ फैट तो क्या होगा, तो देयर आर सो मैनी डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। टू लिटिल बॉडी फैट इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव सर्कुलेटरी इम्यूनो सिस्टम डिसऑर्डर, लेस देन 9 to 12% ऑफ वुमेन एंड लेस देन 3 to 5% इन मेन। This is the essential fat male or female. If some person have fat lower than this level, like कुछ लोगों में 5% से नीचे चले जाए और कुछ में 12% से फीमेल में, तो ये मैं एवरेज बता रहा हूँ इस रेंज में। कुछ लोगों का फीमेल्स में 9% से नीचे चले जाए, 10-11 पे कुछ नहीं होगा, 9 से नीचे जाके गड़बड़ हो सकती है, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो उनकी बॉडी में कौन से डिसऑर्डर आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव, जो आपकी बॉडी में मेल्स में और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उसमें डिफॉर्मेलिटी आ सकती है, जैसे एग्स और स्पर्म प्रॉपर नहीं बनेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के अंदर कोई दिक्कत आ सकती है, ऑटो इम्यूनो डिजीज आजकल काफी होती है लोगों को, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज फैट का एक मेजर रोल है कि जो कोलेस्ट्रॉल है फैट में,
वो सभी जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं उसका बेसिक यूनिट है। ओके, जैसे ग्लूकोज सभी कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो उसी तरह जो फैट का सबसे छोटा पार्टिकल यूज होता है वो कौन सा है, वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। हर सभी हार्मोन्स के अंदर जो बेसिक यूनिट है किसी भी हार्मोन की वो कोलेस्ट्रॉल हो, कोलेस्ट्रॉल से ही हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये तीनों सिस्टम के ऊपर काफी बैड इफेक्ट पड़ता है अगर इससे नीचे फैट चला जाता है। व्हाई वी नीड बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, हमें क्या जरूरत पड़ गई बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करने की, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग। ओके, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक फैट परसेंटेज, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी सेगमेंट गर्थ, विच आर फिटेंट टू एथलेटिक परफॉर्मेंस फॉर रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद मस्कल स्केलेटल इंजरीज एंड डिजीज। जो हमारे मसल स्केलेटल की इंजरीज हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए भी, कौन से मान लीजिए किसी ऑर्गन के ऊपर हमारे फैट का लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो वहां पे मसल भी वीक है तो हमारे मसल स्केलेटल इंजरी होने के चांसेस हैं, प्रोन टू डिजीज डिजीज होने के चांसेस हैं। फैट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है लिम्ब्स के ऊपर, ट्रंक के ऊपर, वो सारा कुछ देखने के लिए सेगमेंट वाइज लेफ्ट और राइट लिम्ब, ठीक है, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, इनके ऊपर हम देख सकते हैं कि आपके फैट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर हम एनालिसिस करेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे एनालिसिस तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें बार बार इंजरी क्यों आ रही है। हम कह रहे हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर तो, लिम्ब्स का स्ट्रक्चर तो ठीक है, पर हम स्ट्रक्चर के बीच में नहीं देखते कि उसमें फैट कितना है, मसल कितना है। अगर फैट ज्यादा एंड पे है, मस्कुलेचर कम है, तो मसल वीक्स हैं, तो देर इज कौन सी गेम, अच्छा कौन सी गेम में, लाइक आई विल गिव एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट में क्या होता है कि बॉडी में सिमेट्री होती है, कि कुछ शॉट पुटर्स की एग्जांपल दे रहा हूँ कि शॉट पुटर थ्रो करते हैं तो राइट हैंडेड है, तो राइट डोमिनेटेड है तो हाइपरट्रॉफी राइट साइड पे ज्यादा होगी। ओके, तो क्या होगा, वो लेफ्ट को इतना यूज नहीं कर रहे तो उसमें वीकनेस होगी, तो बॉडी में सिमेट्री होगी। तो वो कैसे पता चलेगी, अगर हम बॉडी का एनालिसिस करेंगे कि फैट की डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट लिम और राइट लिम में कितना डिफरेंस है, आर्म्स में, लेग्स में। ओके, तो रीहैब के बाद सब्जेक्ट हमारे पास आता है तो हम उनका मसल स्केलेटल इंजरी को रिकवर करके आ रहा है, वो बंदा दोबारा से इंजरी ना आ जाए तो हम उसके मसल का गर्थ और उसके अंदर फैट का कंपोनेंट देखते हैं कि प्रॉपर मसल शेप में है कि नहीं है। अगर प्रॉपर मसल ग्रो कर चुका है, फैट लोअर एंड पे है, तो इंजरी के चांसेस कम है। अगर हम फिर देखेंगे कि उसमें फैट ज्यादा है, मसल इतना डेवलप नहीं हुआ, तो मसल स्केलेटल इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, हाउ मच फैट टू लूज वर्सेस हाउ मच मसल टू गेन। कॉम्पिटिशन में हम प्लेयर्स के ऊपर जब काम करते हैं, उनकी स्टडी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, उनको देखते हैं कि उन्होंने कितना फैट लूज किया है और कितना मसल गेन किया है, क्या उनका ट्रेनिंग सही चल रहा है, इज देयर ट्रेनिंग गोइंग इन राइट डायरेक्शन और देयर नीड सम चेंज इन देयर ट्रेनिंग। तो हम उनका ट्रेनिंग पैटर्न भी कोच के साथ बात करके उनको कह सकते हैं कि आप इसको मोर एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी आपका गेम का डिमांड है उसे हिसाब से दे सकते हो आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। हेल्थ इंप्लीकेशंस, जनरल पॉपुलेशन में हेल्थ इंप्लीकेशन है कि एक लेवल से ज्यादा फैट होना और एक लेवल से कम फैट होना दोनों बॉडी के लिए हार्मफुल है। आइडियल फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में होना चाहिए जिसकी वजह से आप डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीएचडी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ऐसी डिजीज से बच सकते हो और नॉर्मल पॉपुलेशन। अब हम यहाँ पे फैट का एक स्लाइड देखेंगे कि फैट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। मेल और फीमेल में फैट की डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होती है, मेल हैव एप्पल और एंड्रॉयड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल हैव गेनॉइड और पियर शेप डिस्ट्रीब्यूशन। मेल्स में ट्रंक पे फैट की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, फीमेल में हिप्स के ऊपर, लिम्स के ऊपर फैट की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। ये फैट की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, बट ट्रंक में हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे फैट की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि मेल्स आर मोर प्रोन इन यंग एज, कि उनकी यंग एज में ज्यादा प्रोन है अगर उनकी चेस्ट के ऊपर, ट्रंक के ऊपर, अबडोमिन के ऊपर फैट का पोर्शन ज्यादा है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स देर आर डिफरेंट मैथड्स टू कैलकुलेट बॉडी कंपोजिशन। नेक्स्ट है कि हम बॉडी कंपोजिशन तो पढ़ लिया भी, क्या होता है, कहाँ कहाँ पे कैसे फैट होती है,
अब है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट। ओके ठीक है, मेथड हम बॉडी कंपोजिशन के यहाँ पे असेस करेंगे। देयर टू टाइप ऑफ मेथड, वन इज डायरेक्ट मेथड कि हम डायरेक्ट बंदे को पकड़े उसकी बॉडी को अलग अलग किसी केमिकल के जरिए या उसकी बॉडी को सर्जरी के जरिए काट के देख लें कि उसकी बॉडी में कितना मसल फैट है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कहाँ पे पॉसिबल है? ऑन कैडेवर स्टडीज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सर्जरी करते हैं, डेड डिकेइंग बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, वहां पे हम एनालिसिस करते हैं। ये आज से नहीं, काफी सौ साल से पहले से ये काम हो रहा है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि आपके मसल का साइज, बोन की लेंथ मेल की है फीमेल की है, कितना साइज होता है, कितनी वेट होता है, आपके ऑर्गन्स जैसे हार्ट का किडनी का कितना नॉर्मल साइज होता है, रॉड साइज कितना होता है, अगर श्रिंक हो जाए तो कितना साइज होता है, अब नॉर्मल साइज कितना होता है, वो सारा हम कैसे करते हैं अगर हम केमिकल और फिजिकल डाइसेक्शन से आपकी बॉडी को स्टडी करते हैं। बॉडी कंपोजिशन को भी हम आपकी बॉडी को फैट और फैट फ्री मास को अलग अलग कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड, फैट मास और फैट फ्री मास। ओके, और इसी तरह फिजिकल डाइसेक्शन से बाय सर्जिकल मेथड हम डेड गेइंग बॉडी के ऊपर कर सकते हैं फॉर स्टैंडर्ड मेकिंग स्टैंडर्ड। तो हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि एवरेज मेन और वीमेन के अंदर इस तरह के लंग्स, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रिया, इंटेस्टाइन होते हैं, और जो आजकल मेडिकल बुक्स में पाया जाता है, ठीक है, वो कब होता है जब इन मेथड से काम किया हो, और उनको कोरिलेट करते हैं दूसरे इनडायरेक्ट मेथड से कि मान लीजिए हमने लिविंग के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो लिविंग पर्सन के ऊपर हमने काम करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है बॉडी कॉम्पोजिशन के। जो ग्रीन वाले हैं ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, वो हम अपने एंथ्रोमेट्री डिपार्टमेंट में यहाँ पे करते हैं। जो पर्पल कलर में है तो ये हम क्लिनिकल अप्रोच इनकी ज्यादा है, इनसे भी बॉडी कंपोजिशन किया जा सकता है, पर हम इनको अवॉइड करते हैं ड्यू टू देयर आर सम रीजंस, जब इनके ऊपर हम अभी लेटर ऑन स्लाइड करेंगे तो आपको बता दूं। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग है कि आपको एयर वाटर रिप्लेसमेंट मेथड से पानी के अंदर इमर्ज किया जाता है, आपका बॉडी का डेंसिटी निकाला जाता है, डिटेल में करेंगे। बॉड पॉड है एयर रिप्लेसमेंट मेथड, स्किन फोल्ड है मसल के ऊपर वाली स्किन को पकड़ के हम आपका बॉडी का कैलकुलेशन कर सकते हैं फैट का। गर्थ इंची टेप या मेजरिंग टेप से हम आपकी बॉडी की सर्कमफ्रेंस घेरा माप सकते हैं, जैसे चेस्ट अबडोमिन सर्कमफ्रेंस है गर्थ है तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बायोइलेक्ट्रिक इंपीडेंस एक इलेक्ट्रिक मेथड है जिससे आपकी बॉडी का बॉडी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। थ्री डायमेंशन स्कैनिंग एक लेजर स्कैनिंग है होल बॉडी का जिससे आपकी बॉडी के डायमेंशन को फिजिक को चेक कर सकते हैं। दीज आर द मेथड्स विच आर क्लिनिकल मेडिकल इंपॉर्टेंस मोर देन बॉडी कॉम्पोजिशन, पर इनसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। कौन से है? डेक्सा, ड्यूल एक्स एनर्जी एक्सरे ऑप्टोमेट्री, नियर इंफ्रारेड इंटरैक्शन, अल्ट्रासाउंड, जैसे सभी ने अल्ट्रासाउंड के बारे में सुना ही होगा कि पेट में कोई एबनॉर्मैलिटी है, सिस्ट है, या कोई किडनी का अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमिन का कराना है, प्रेग्नेंट वीमेन्स का अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम होता रहता है, एक वो मेथड है जो साउंड की टेक्निक है। कंप्यूटर ट्रोमोग्राफी सीटी स्कैन बोल देते हैं, ये थोड़ा सा उससे एडवांस और क्लियर कलर्ड पिक्चर आ जाती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसे बेटर है सीटी स्कैन से, क्यों? क्योंकि इसमें आपके रेस का इशू इतना ज्यादा नहीं है। सीटी स्कैन में थोड़ा सा एक्सरेज का जो हाई डोज एक्सरे की होती है रेस का उनका असर होता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस एक सेफ है, इससे भी हम आपकी बॉडी का बॉडी कॉम्पोजिशन एवेल्यूएशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग से हम बॉडी का फैट कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी वेट ऑन लैंड, अंडर वाटर वेट, वेइंग हमने सब्जेक्ट का करना है, वाटर डेंसिटी मसल का भी पता लगा जा, हाँ पता कर सकते हैं डेफिनेटली, मसल का, बोन का और फैट का कैलकुलेशन हम MRI से कर सकते हैं। ओके, वाटर डेंसिटी एट द परफॉर्मेंस टेम्परेचर, वी मैनेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर सो दैट द डिफरेंट टेम्परेचर वाटर चेंजेस देयर डेंसिटी, एवरी 5 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर वाटर डेंसिटी ऑल्सो चेंज, हर 5 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी चेंज होती है, इसलिए हमें यहाँ पे ये गैजेट फिट करना है तो उसका रूम टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। रेजिड्यूल लंग वॉल्यूम, जो आपके लंग्स के अंदर वॉल्यूम है, लंग कैपेसिटी है, रेजिड्यूल जो आपके एयर है लंग्स के अंदर उसको भी कैलकुलेट वॉल्यूम कैलिब्रेट किया जाता है इन दिस मेथड।
इसमें हमें पता है कि आपकी बॉडी का जो बोन और मसल है इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, वाटर से ज्यादा होती है। बोन और मसल हैव ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड फैट हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। ओके, दस ए पर्सन रिलेटिव बायंसी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद बॉडी वाटर फैट। जितना आपका बॉडी का फैट ज्यादा होगा आपका बायंसी इफेक्ट ज्यादा होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। आप पानी के नीचे वेट कम आएगा आपका, ठीक है। अब एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कैसे। जैक और डेव, देयर आर टू पर्सन, बोथ हैव सेम हाइट और सेम वेट, 188 सेंटीमीटर हाइट और 93 वेट, दोनों में सेम है। जब उनको हमने पानी के नीचे लेके गए और वेट किया तो देखा 6.5 kg वेट जैक का आया, 5 kg डेव का आया। अब हमने वॉल्यूम देखा, दोनों का वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम, द वाटर हाउ मच रिप्लेस। यहाँ पे हमने मार्किंग लगा दिया है टैंक के ऊपर। जब इनको इमर्ज किया गया पानी के अंदर तो देखा कि पानी का लेवल कितना ऊपर चला गया, तो दैट इज द वॉल्यूम। ओके, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज योर डेंसिटी। बोथ हैव डिफरेंट डेंसिटी बिकॉज द वॉल्यूम इज डिफरेंट। देन वी से कैलकुलेट परसेंटेज फैटी बॉडी फैट। देयर इज वन डिफरेंट फॉर्मूला फ्रॉम वेयर वी कैलकुलेट परसेंटेज बॉडी फैट, 10.5 फॉर जैक और 18.4 फॉर डैम। ओके, तो यहाँ पे माइनर चेंज डेंसिटी के बीच में आने से भी हम ओके ठीक है। दे आर टू डिफरेंट मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, वेयर वी कैलकुलेट योर बॉडी कॉम्पोजिशन। डायरेक्ट मेथड बाय केमिकल और सर्जिकल फिजिकल मेथड टू ऑन डेड डिकेइंग बॉडीज मेनली। सो द डायरेक्ट मेथड इज नॉट पॉसिबल इन लिविंग वंस। इफ वी आर वांट टू चेक लिविंग वंस देन वी गो टू इनडायरेक्ट मेथड विदाउट हार्मिंग योर बॉडी। ओके, द नेक्स्ट वन इज वी कैलकुलेट योर फैट वेट और फैट फ्री मास इन किलोग्राम्स बाय कन्वर्टिंग दिस रिलेटिव फैट परसेंटेज एज वी सीन इन वन स्लाइड। पहले मैंने एक स्लाइड में आपको कैसे किलोग्राम में चेंज करना है परसेंटेज से वो करके बताया है। ओके, तो अभी हमने टारगेट दे दिया 10% फैट का। तो 10% फैट का अगर हम टारगेट यहाँ पे देखेंगे तो आपका 0.4 किलोग्राम ही लूज करना पड़ेगा जैक को और 8.7 लूज करना पड़ेगा डैव को, क्योंकि जैव के बॉडी में फैट ज्यादा है, 18% है और जैक में 10.5% है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज नॉट फिजिबल टू टेस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा लोगों के ऊपर हम इसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, एक या दो बंदों के ऊपर कर सकते हैं। लंग्स रेजिडुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करना भी काफी एस्टिमेशन करना डिफिकल्ट है, उसके लिए हमें और कुछ गैजेट्स चाहिए। कुछ लोग पानी से डरते हैं, हाइपोफोबिक होते हैं, तो उनको भी काफी दिक्कत आती है, पानी में नहीं जा सकते, सो उनको पानी से डर लगता है ये कह सकते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी मुश्किल है। नेक्स्ट वन इज बॉड पॉड। बॉड पॉड सेम वैसा ही मेथड है जैसे, कोई बात नहीं आप ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बॉड पॉड है जिसमें हम आपका एयर रिप्लेसमेंट मेथड से आपकी बॉडी का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वहां पे वाटर रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे एयर, बस इतना ही फर्क है। इसमें हम काफी लार्ज नंबर के सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एयर रिप्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे हम आपकी बॉडी में आपका वॉल्यूम खाली चैम्बर का वॉल्यूम करते हैं और फिर सब्जेक्ट को इनसाइड द चैम्बर बिठा के शॉर्ट टाइट फ्लोस में चेक कर सकते हैं। ओके, वॉर्ड वॉर्ड की प्रिकॉशंस क्या है? स्पेसिफिक इसके लिए क्लोथ्स डिजाइन किए जाते हैं जो टाइट आपकी स्किन के साथ अटैच हो। आपकी बॉडी के कपड़ों में कुछ भी एयर ट्रैप नहीं होनी चाहिए इसमें। सेम कैप इवन हेड के ऊपर लेना होता है सो दैट कि आपके जो हेयर्स हैं, बाल हैं, उसमें भी एयर ट्रैप ना रह जाए, ठीक है। तो इसलिए लैक्रा शॉर्ट्स और सेम कैप लेना चाहिए। 4 to 5 आवर्स बिफोर कोई एक्सरसाइज या कुछ खाना पीना नहीं है। अगर आपने वेट ट्रेनिंग 12 घंटे पहले तक वेट ट्रेनिंग को इंटेंस नहीं किया होना चाहिए। इसके रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट हैं, जैसे हाइड्रोस्टेटिक वेइंग के वाटर रिप्लेसमेंट मेथड के हैं, तो काफी एक्यूरेट मेथड है ये। इसकी आप डायग्राम देख सकती हो, यहाँ पे एम्प्टी चैम्बर है, देन सब्जेक्ट इज सेट इनसाइड दिस वन, दिस इज अ करेक्ट पोजीशन। ओके, दिस इज अ रॉन्ग, इसने लूज कपड़े डाल रखे हैं दिस जेंटलमैन, सो दिस इज नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट है ड्यूल एक्सरे एब्जॉर्प्टिमेट्री। एक एक्सरे मेथड है आपकी बॉडी की होल
बॉडी को ये आर्म के जरिए स्कैन किया जाता है, जैसे हम एक्सरे की लेजर होती है उस तरह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से। तो आपकी बॉडी का वैसे तो क्लिनिकल अप्रोच इसकी ज्यादा है, हम क्या करते हैं आपकी बॉडी को स्कैन करते हैं इसमें, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रेज, डिफरेंट टाइप की टू एक्सरेज हैं आपकी बॉडी के ऊपर से क्रॉस की जाती हैं। आपकी बॉडी में बोन मिनरल कंटेंट कितना है, फैट कितना है, फैट फ्री मास कितना है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफी रिलायबल भी है, अच्छा मेथड भी है, पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसको लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए जिनको एक्सरा टेक्निक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है। इसका एक स्पेशल कोर्स होता है। डेक्सा बहुत फास्ट है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को हम कर सकते हैं ऑपरेट, चेक कर सकते हैं। और ऑपरेट करने के लिए इसकी ट्रेनिंग भी, मिनिमम ट्रेनिंग होती है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन की होती है। बहुत ज्यादा जो ओबेस लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, इसकी एक ही लिमिट है कि उसको हम नहीं कर सकते, वो इस टेबल के ऊपर फिट नहीं आ पाएंगे, उनकी बॉडी इससे बाहर निकल जाएगी। अराउंड 7 फीट का है कोई हमारा एथलीट, या कोई काफी मोटा है, 150 kg 200 kg के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस। ये एक इलेक्ट्रिक मेथड है जिससे हम आपकी बॉडी का फैट फ्री मास और फैट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी में वाटर लेवल कितना है, हाइड्रेशन लेवल, उसके बेस पे है। इलेक्ट्रिक करंट वाटर लेवल जितना ज्यादा होगा इजिली फ्लो करेगा, और जितना कम होगा फैट ज्यादा होगा तो उसको रिटार्ड करेगा, रोक देगा। तो जिसकी बेस पे आपकी बॉडी को ही फैट और फैट फ्री मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेंग पोजिशन है, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजिशन है। दोनों टाइप के गैजेट्स हमारे, डिफरेंट टाइप के गैजेट्स आर इन द मार्केट, ओके। सच टाइप ऑफ टर्मिनल आर प्लेस्ड ऑन योर लिम्स, यहाँ पे पाँव के ऊपर, हाथ के ऊपर ये टर्मिनल्स लगाए जाते हैं। यहाँ से एक लाइट सा इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी में फ्लो किया जाता है, जिससे हम सेगमेंट वाइज आपकी बॉडी का राइट और लेफ्ट लिम में फैट मसल और लीन टिश्यू कितना है, वाटर लेवल कितना है, राइट और लेफ्ट लेग में, ट्रंक में, ये सारा कुछ सेगमेंट वाइज कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट में से कौन सा स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर है और कौन सा फैटी वीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है, एक साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक गैजेट में पास करके उसको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कितना थिक टिश्यू है आपकी बॉडी में डीप, वो साउंड वेव से पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी का फैट और मसल रेशियो को कैलकुलेट किया जा सकता है, इवन लोकलाइज्ड पोर्शन के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर। देन दूसरा है सीटी स्कैन और कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। ये टू डायमेंशनल टो टाइप की एक्सरे बीम है आपके, जो बॉडी के ऊपर से क्रॉस की जाती है। यहाँ की एक गैजेट आता है जिसमें आपको बीच उस गैजेट के डाल दिया जाता है और होल बॉडी को वो स्कैन कर देता है, कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग हो जाती है, जिसमें आपके बॉडी के सारा जितना भी ओवरऑल टिश्यू है उसका कितना एरिया है, उस टिश्यू का कितनी उसमें क्वांटिटी है और क्वालिटी है, सारा कुछ पता चल जाता है। थिकनेस लेवल, मस्कुलर एरिया कितना है, बोन एरिया कितना है, वो सारा कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम कर सकते हैं। इसका डिफरेंट डिग्री ऑफ बॉडी फैटनेस वैल्यूएशन किया जा सकता है इससे, ठीक है। स्कैनिंग टेक्निक्स हैं बेसिकली वो, दीज आर मोर क्लिनिकल अप्रोच। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी हैं, पर काफी एक्सपेंसिव हैं और टाइम वेरिंग भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग काफी है। एस्टिमेटिंग परसेंटेज बॉडी फैट, ये हम कर सकते हैं। सबसे बेटर एक तरीका और भी है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, दैट इज अ ट्रेडिशनल मैनुअल स्किन फोल्ड मेथड, जिसमें हम आपकी बॉडी के लिम्स के ऊपर स्किन फोल्ड से बॉडी का मेजर कर सकते हैं। इन एंथ्रोमेट्री वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स, ओके, 40 ईयर्स, नॉट 14। बॉडी कॉम्पोजिशन असेसमेंट स्किन फोल्ड टेक्निक्स, कैसी टेक्निक्स हैं ये? आपकी जो स्किन है, ऊपर वाली स्किन है आपकी, जहाँ पे हेयर्स ग्रो कर रखे हैं आपकी बॉडी के ऊपर सरफेस के, उसके नीचे वाली स्किन है, वो स्किन का फोल्ड हम पकड़ते हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस स्किन, ओके। विद द हेल्प ऑफ स्किन फोल्ड कैलिपर, दिस इज अ स्किन फोल्ड कैलिपर, देयर इज दिस स्किन फोल्ड, टू फोल्ड इनसाइड द माउथ ऑफ दिस स्किन फोल्ड। इसके एडवांटेज काफी है, इसके रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट हैं। एक्यूरेट एस लेवल इज एज इक्वल एज हाइड्रोस्टेटिक और बॉडपॉन, इजी टू परफॉर्म विद इन फ्यू मिनट्स, 5-10 मिनट्स वी हैव टू चेक एनी पर्सन, ओके। इनएक्सपेंसिव, ये काफी उनके कंपेरेटिवली काफी इनएक्सपेंसिव है ये। इसका कैलिबर 10-15 हजार से शुरू होके 1 लाख 1.5 लाख रुपीज तक भी है, डिपेंड ऑन क्वालिटी और अपना कौन सी कंपनी का है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके।
प्लास्टिक के कैलिपर भी आजकल 2000 रुपीज में भी आते हैं, तो काफी इतना महंगा नहीं है और बार बार हम इसका टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग मोर टाइम। वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम इसको 5-10 मिनट में एवरी वर्ड सब्जेक्ट का कर सकते हैं। ह्यूमन एरर, बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है। ओके, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वी विल गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, इन प्रैक्टिकल क्लासेस व्हेन यू आर कमिंग हियर। ह्यूमन एरर डिसएडवांटेज है इसका कि आप इसके लिए परफेक्ट होने चाहिए, 1 और 2 टाइम करने से आप इतने परफेक्ट नहीं होंगे। स्किन फोल्ड की लोकेशन को फाइंड आउट करना एंड देन हाउ टू हैंडल स्किन फोल्ड, ये एक डिफरेंट इशू है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन सकते हो। डिपेंड अपॉन 50 to 100 अगर सब्जेक्ट के ऊपर आप इसको परफॉर्म करोगे देन योर हैंड शुड बी एडजस्टेड। दीज आर द स्किन फोल्ड लाइक ट्राइसेप, बाइसेप, सबस्कैपुला, सुप्रा इलियक ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ मसल्स। हम उस वही मसल्स के जैसे ट्राइसेप मसल के ऊपर ट्राइसेप, बाइसेप के ऊपर बाइसेप स्किन फोल्ड है, वहां से हम इनको पकड़ेंगे। इसी तरह चेस्ट, एक्सिला, अब्डोमेन, थाई। ओके, इसकी एक प्रिकॉशन ये लेना है कि इसको मेजरमेंट के टाइम पे हमने शुड नॉट बी टेकन आफ्टर ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन, सोना और स्विमिंग और शावर। इसको कभी नहीं लेना जब आप ट्रेनिंग करके आए हो, इससे मेजरमेंट नहीं करना, ठीक है? इससे क्या होता है, एक्सरसाइज, वार्म वाटर और हीट कैन प्रोड्यूस डिहाइड्रेशन। इससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और उससे क्या होता है, स्किन टाइट हो जाती है और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, तो उस टाइम पे हमने इसको कभी नहीं लेना। ए वुड सी द 2 स्लाइड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में नंबर ऑफ सेल्स सेम है। ये स्किन है, ये फैट की लेयर है, ये नीचे मसल की लेयर है। तो यहाँ पे ये फैट के सेल आफ्टर बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, अगर हम सेल्स का नंबर की बात करें तो नंबर सेम है बट साइज छोटा हो गया आफ्टर ट्रेनिंग। व्हेन ये ट्रेनिंग छोड़ देगा तो उसी कंडीशन में वापस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एंड्योरेंस एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल बना के रखने के लिए काफी कंपलसरी है। ऑप्टिमम वेट क्या होता है, एक मिनिमम वेट होना चाहिए आपकी बॉडी का जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और लिविंग हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए काफी जरूरी है। पर्सन मोस्ट फेवरेबल वेट कैन बी कंसिडर्ड फॉर ए जनरल हेल्थ लाइफस्टाइल और मोर स्पेसिफिकली फॉर ए चूजन स्पोर्ट्स, और हर डिफरेंट स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक उनका बॉडी वेट होना चाहिए उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो जो टॉप क्लास एथलीट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना वेट और बॉडी कॉम्पोजिशन टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं टू टेक एडवांटेज इन देयर ओन स्पोर्ट्स। तो अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो दे गो फॉर बॉडी मास इंडेक्स, वो भी लेटर ऑन स्लाइड में अभी करेंगे हम, ठीक है? ऑप्टिमम वेट चार्ट इसका अवेलेबल है, आपको बता दिया जाएगा। देर आर 3 टाइप ऑफ रनर्स, मैराथन रनर, बॉक्सर और रग्बी प्लेयर्स। डिफरेंट दे हैव डिफरेंट हाइट और डिफरेंट वेट, हाउ दे कैन मैनेज, वो कैसे अपना अंडर वेट और ओवर वेट मैनेज करते हैं टू अफेक्ट परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए। ओके, तो लाइक मैराथन रनर, उसको एक एवरेज पॉपुलेशन की जो हाइट है उसी हाइट के मैराथन रनर को अपना वेट लूज करना पड़ेगा। व्हाई ही वांट टू लूज हिज वेट, बिकॉज उसको लूज इसलिए करना पड़ेगा वेट सो दैट कि उसको लेस वेट कैरी करना पड़े फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनर, क्योंकि एंड्योरेंस एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी स्पोर्ट्स का ऑप्टिमम वेट होगा। मान लीजिए 160 सेंटीमीटर हाइट है किसी मैराथन रनर की, तो उसका बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 50-55 kg होता है। अगर हम सिडेंटरी पर्सन की बात करें, एवरेज पर्सन की, उसका 55 to 60-65 के करीब में होगा वेट, नॉर्मल वेट। तो वो अपना ज्यादा वेट कैरी करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह बॉक्सर को अपनी वेट कैटेगरी मेंटेन करने के लिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हाई मसल वेट चाहिए और लोअर एंड ऑफ द फैटी टिश्यू, तो उसको अपना वेट फैट की फॉर्म में लूज करना पड़ेगा और मसल मास अपना मेंटेन रखना पड़ेगा सो दैट टू फिट ऑन दैट वेट कैटेगरी। ओके, वो उसका ऑप्टिमम वेट होगा उसकी वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। रग्बी प्लेयर में जैसे फुटबॉल, हॉकी भी है, उनमें कुछ डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। रग्बी में भी प्रो और सैक्रम हाफ होती है, और एक ही गेम में विद इन वन गेम प्लेयर हैव डिफरेंट बॉडी वेट और बॉडी कंपोजिशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट बॉडी वेट, ऑप्टिमम वेट। प्रो हैव
टैकलिंग पोजीशन, जो प्रॉप प्लेयर होते हैं वो टैकलिंग पोजीशन पे होते हैं, वो दूसरे प्लेयरों के साथ रग्बी में फाइट करते हैं, बाल छीनते हैं, उनका बॉडी वेट 120 से 150 kg के बीच में होता है, काफी हैवी होते हैं। और सैक्रम हाफ उसी गेम में बाल को लेके उन्होंने भागना होता है, क्रॉस करना होता है, एक उनका टारगेट होता है, यहाँ पे बॉल लेके पहुंचना होता है, लाइन क्रॉस करना होता है। तो वो काफी हल्के होते हैं, वो 80-90 kg के करीब उनका बॉडी वेट होता है। तो सेम गेम में अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी आपको अपना बॉडी वेट उस स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग और पोजीशन के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम वेट टू करेक्ट योर परफॉर्मेंस और योर अफेक्ट योर परफॉर्मेंस और टू एनहेंस योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, बेटर करने के लिए। कुछ कंडीशंस हैं, एनोरेक्सिया है जैसे ईटिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप अपना जो प्रॉपर डाइट लेनी है वो नहीं ले पाते, जिसकी वजह से बॉडी में अब नॉर्मेलिटी आ सकती है। अंडरवेट कुछ लोग होते हैं, उनके हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो उतना वेट नहीं होता, वो अंडरवेट होते हैं। कुछ लोग अपने वेट से ज्यादा वेट गेन करके रखते हैं, उतना वेट बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता, पर एक लेवल के ऊपर अगर वो फैटनेस ज्यादा ना हो, उनकी बॉडी में फैट ज्यादा ना हो, तो वो ओवरवेट नहीं होता। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन आर मोस्टली ओवरवेट बिकॉज दे आर ओवरवेट ड्यू टू मसल्स मस्कुलेचर ड्यू टू देयर फिजिकल एक्टिविटी। ओवर फैट है हैविंग बॉडी फैट इन द एक्सेस ऑफ नॉर्म। जब ओवर वेट की कंडीशन से आगे निकल जाता है उसी हाइट के ऊपर, तो फैट की एक्युमुलेशन होने लग जाती है, तो वो एक्सेस फैट की वजह से ओवर फैट हो जाता है। अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर भी उसका लाइफ स्टाइल स्टेंडरी है, तो क्या होता है और फैट बॉडी में आ जाता है, जो ओवेस कंडीशन हो जाती है, जो वेट उसकी वजह से होता है वो ओवेस हो जाता है, जिसको हम कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने के चांसेस उनको ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो से हम आपकी बॉडी का वेस्ट और हिप की सरकमफ्रेंस, ये फार्मूला लिखा हुआ है, वेस्ट सरकमफ्रेंस और हिप सरकमफ्रेंस मेजरिंग टेप से ले सकते हैं और इसकी वैल्यू देख सकते हैं। फीमेल में 0.80 से और मेल में 0.95 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ऊपर होती है तो आपके ट्रंक के ऊपर फैट की काफी थिक लेयर है और आपकी बॉडी हार्मफुल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए आपको। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन की परसेंटेज फैट कैसी होनी चाहिए। दिस इज अवर पोर्शन इज फॉर मेन एंड दिस इज फॉर वेमेन। देयर इज हियर वी सी एज बिलो 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, अबव 50। मैंने पहले भी स्लाइड में किया एक बात कि 3% से नीचे एसेंशियल फैट यूज होने लगेगा तो अंडरवेट की कंडीशन में हो जाओगे। एक्सीलेंट गुड। और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन में अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन और नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है तो ज्यादा बढ़िया है। मॉडरेट सेडेंटरी पॉपुलेशन यहाँ हो जाती है, ओवरवेट यहाँ पे है। ये फैट परसेंटेज का मैंने क्लासिफिकेशन बनाया है, दिस इज फॉर मेल और दिस इज फॉर विमेन। ओके, तो अबव 27 इन वेज इन मेन एंड अबव 32 इन फीमेल। देन अगर स्पोर्ट्स पॉपुलेशन के बीच में बात करें तो हम यहाँ देखते हैं रेटिंग मेन और वुमेन की कैसे है। 14 to 20 एथलेटिक बॉडी मेल की पाई जाए, फीमेल में होती है, और 6 to 13 मेन में। फिटनेस लेवल कुछ स्पोर्ट्स में 21 to 24 होती है, 14 to 17 मेन में और वेमेन में। एक्सेप्टेबल ये सेडेंटरी पॉपुलेशन के लिए है, जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है वो इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, स्पोर्ट्स पर्सन और दोनों में आते हैं, फिटनेस और एथलेटिक्स में। ओके, वेस्ट जो काफी मोटे हैं 32+ और 26+ इन मेन और 32+ इन वेमेन। ये डिफरेंट स्पोर्ट्स वाइज है, यहां मैंने रेंज दे रखी है, जैसे पोजीशन है सॉफ्ट बॉल में, बेसबॉल में, बास्केटबॉल में, एथलेटिक्स में, जिमनास्टिक में, डिफरेंट इवेंट्स हैं, फुटबॉल, हॉकी। तो यहाँ पे मेल और वुमेन की फैट परसेंटेज की मैंने अपनी गेम वाइज डिफरेंट गेम्स में दे रखी है, तो आप अपनी गेम के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एज का और वेट का चेंज कैसे होता है। वेट हमने पाउंड्स में IBS में लिया और एज इन ईयर्स में ली है। जैसे जैसे ये लाइन देखते हैं, वेट ऑरेंज ग्राफ है आपका, वेट बढ़ रहा है जैसे एज बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रहा है, ब्लू लाइन आपका फैट भी बढ़ रहा है और लीन टिश्यू नीचे आ रहा है ड्यू टू एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका वेट के साथ फैट बढ़ेगा और लीन टिश्यू नीचे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट रोल है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर। जैसे आपकी स्पीड, एंड्योरेंस, पावर उतनी बढ़िया होगी जितना आपका वेट कंट्रोल्ड रहेगा आपकी हाइट और कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग।
अगर आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे इफेक्ट करती है आपकी बॉडी, लाइक स्ट्रेंथ एजिलिटी और अपीरेंस को डिपिक्ट करती है आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। ए लीन बॉडी दैट इज वन विद ग्रेटर मसल फैट रेशियो इज ऑफन एडवांटेजेस इन स्पोर्ट्स वेयर स्पीड इज इन्वॉल्व। यहाँ पे स्पीड स्ट्रेंथ की बात होती है तो आपका मसल टू फैट रेशियो इन्वॉल्व होती है, हायर लेवल ऑफ मसल मास विद रिस्पेक्ट टू फैट रेशियो। और इसका और कहाँ पे यूज है बॉडी कॉम्पोजिशन का, इन न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, ठीक है। न्यूट्रिशन भी आप एक्सपर्ट आपकी डाइट बढ़िया से बना सकता है, प्रॉपर डाइटिशियन की डाइट फॉलो कर सकते हो अगर उसको आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन की वैल्यूज का पता है कि आपकी बॉडी में फैट मसल कैसा है, और कोचिज के साथ इंटरवेंशन करके ट्रेनर एथलेटिक ट्रेनर के साथ आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बढ़िया से डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। हाउ कैन बॉडी कॉम्पोजिशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कैसे इम्प्रूव करती है। ए सफिशियंट लेवल ऑफ लीन बॉडी मास इज आल्सो कंट्रीब्यूट टू स्पीड क्विकनेस स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। हमें सभी को पता है कि आपकी बॉडी में जो बॉडी वेट है उसमें पहली बात तो बॉडी वेट एक ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपकी बॉडी में लीन बॉडी मास, उस वेट के बीच के हिस्सा है लीन बॉडी मास, फैट नहीं लीन बॉडी मास, वो अगर एक सफिशियंट लेवल का है तो आप स्पीड क्विकनेस स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बढ़िया कर पाओगे, ओके। तो इसलिए आपको नॉन असेंशियल जो फैट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट जो आपके मसल और कार्डियो सिस्टम है उसको एंड्योरेंस स्पीड और एजिलिटी को अच्छे से डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स, एक बेल्जियन साइंटिस्ट क्यूटलेट थे जिन्होंने ये फार्मूला दिया था, क्यूटलेट इंडेक्स कहते हैं, दैट इज हाइट डिवाइडेड बाय सॉरी वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्केयर, हाइट टेकन इन मीटर्स और वेट इन किलोग्राम्स। और मैंने यहाँ एग्जांपल बता रखी है, यहाँ 160 सेंटीमीटर हाइट है और वेट 64 है, तो यहाँ से कैलकुलेशन से 0.6 इसलिए 1.6 इसलिए लिखा कि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को, ओके। तो आपका 625 के करीब आपका BMI आया है। अब BMI देख लेते हैं कैसा है। BMI ये ग्रीन वाला आपका एरिया है, ये नॉर्मल रेंज है, ये आपका हेल्थी रेंज ओवरवेट की कंडीशन है, येलो ऑरेंज वाला आपका ओवेस कंडीशन है, और रेड वाला आपका एक्सट्रीमली ओवेस है, और ये ब्लू वाला आपका अंडरवेट है। तो आपको इस रेंज में रहना है, कौन सा, ग्रीन और येलो। मोस्टली हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ग्रीन और येलो में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है कि मेल और फीमेल का हम पैटर्न देखेंगे कि आपका जैसे जैसे बॉडी मास इंडेक्स बढ़ रहा है इस तरफ को, परसेंटेज फैट ऊपर को बढ़ रही है, क्या चेंज आती है उसी पैटर्न में, यस। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मेल और फीमेल में, ये पिंक वाला फीमेल का है, ब्लू वाला मेल का है। हम यहाँ पे दोनों ग्राफ की लाइन ड्रा कर सकते हैं कि आपका जैसे जैसे BMI बढ़ रहा है 20 से 40 की तरफ, तो आपकी फैट परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ती है, इसी तरह फीमेल्स में ट्रेंड पाए गए, ठीक है, पर सभी मेल और फीमेल के लिए। ये कोरिलेशन बताया गया कि BMI बढ़ने से फैट परसेंटेज कैसे बढ़ती है, तो अगर आपके पास स्किन फोल्ड नहीं है तो BMI से भी आप अपनी बॉडी को असेस कर सकते हो कि कैसे आपका मेल बढ़ रहा है BMI के अकॉर्डिंग फैट परसेंटेज। यहाँ पे मैंने कुछ इंटरनेशनल ओलंपिक एथलीट्स का हाइट वेट और BMI दिया हुआ है, हाइट इन इंचेस और BMI की वैल्यू हमने हाइट इन इंचेस और वेट इन IBS पाउंड्स में दिया गया है, जिससे हम कैलकुलेट करके आपका, वैसे मैंने किलोग्राम और मीटर में आपका हाइट वेट दे के निकाला है, वैल्यू सेम निकलेगी, इंचीज और पाउंड्स में भी फार्मूलेज हैं BMI के, पर वो यूरोपियन कंट्रीज में यूज किए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हॉली मैन गोल्ड एक वेट लिफ्टर है जिसका 51.7 BMI आ रहा है, एक्सट्रीमली वेस हो सकता है, पर ये हाईली हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल की कंडीशन, ठीक है, पर इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स पॉपुलेशन पे BMI एप्लीकेबल नहीं है, जनरल सिडेंटरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है। और दूसरी तरफ जिम्नास्टिक का 18.2 आ रहा है, देखिए ये टॉप क्लास जिम्नास्ट है गैबी डॉगलस। यहाँ पे कुछ और स्पोर्ट्स हैं जो ऊपर वाले में नहीं दिए हैं स्लाइड में, यहाँ पे कुछ और स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप BMI हाइट वेट के जरिए अपनी गेम का एवरेज पॉपुलेशन का ओलंपिक एथलीट का मैंने बता रखा है, इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, एवरेज, किसी का इससे थोड़ा सा ज्यादा और कम हो सकता है, एक या दो यूनिट ऊपर नीचे BMI हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे ओलंपिक लेवल के एथलीट्स का दे रखा है, आप इसको अपने स्टडी के लिए यूज कर सकते हो।
एक्सेस बॉडी फैट कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस मेनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड जंपिंग एंड रनिंग। अगर मैं किसी सुमो रेसलर को कहूँ कि भैया जंप और रन कर, तो वो 100 मीटर रन नहीं कर सकता और हाई जंप नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका बॉडी वेट काफी ज्यादा है, फैटी टिश्यू ज्यादा है उसकी बॉडी में। ठीक है, तो एक्सेस फैट जंपिंग और रनिंग में रेस्ट्रिक्ट करती है आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को, तो फैट लोअर एंड पे होनी चाहिए। हायर रेशियो ऑफ फैट फ्री मास टू फैट मास, फैट होनी चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। हाईएस्ट अगर मैं देखूं रेशियो किसकी होनी चाहिए, फैट फ्री मास ज्यादा होना चाहिए और फैट मास लोअर एंड पे होना चाहिए, तो वो पॉजिटिवली रिलेट किया गया है सभी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस अगर उनकी देखी जाए। एथलीट्स आर लीनर देन सेडेंटरी इंडिविजुअल, एथलीट्स नॉर्मल पॉपुलेशन के जो सेडेंटरी इंडिविजुअल हैं उनसे लीन होते हैं, पतले होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। एक्सट्रीमली लो फैट कैन मास इन वुमेन रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम टू नहीं, कुछ फीमेल्स काफी ज्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं, एक्सेसिवली लो फैट होती हैं उनकी बॉडी में, तो उनके अंदर जैसे मैंने पहले स्लाइड में बोला है कि इम्यूनो सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव और सर्कुलेट सिस्टम में डिसऑर्डर हो सकते हैं। ओके, रोल ऑफ फिजिक और बॉडी कॉम्पोजिशन स्पोर्ट्स, क्या रोल है इसका? इसका सबसे बढ़िया रोल है कि हम कुछ बॉडी के पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकते। ओके, जैसे हाइट, योर स्टेचर, स्केल्टन लेंथ और ब्रेड्स, योर शोल्डर ब्रेड्स, योर लेग लेंथ, ट्रंक लेंथ, अडल्ट मैन और वुमेन का हम ये चीजों को चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज योर स्टेचर, लेग लेंथ और योर ट्रंक लेंथ, बट वी चेंज योर बॉडी मास, वी कैन चेंज योर बॉडी वेट बाय ट्रेनिंग योर लीन बॉडी मास और फैट मास। सो वी आर कॉल्ड दीज प्लास्टिक पैरामीटर्स, वी आर राइट हियर प्लास्टिक। लाइक जैसे हम रबड़ और प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो उसी तरह हम इनको चेंज कर सकते हैं टू गेट मोर और बेटर गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम योर बॉडी और योर फ्रॉम योर एथलीट्स बॉडी। ओके, और मैनिपुलेट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक पैरामीटर्स। तो तभी कहते हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग करवाते रहना चाहिए अपनी बॉडी को और फिजिक को, सच करवाते रहना चाहिए, सो दैट फॉर ए स्पेसिफिक स्पोर्ट यू टेक एडवांटेज। ओके, और इसके साथ आप ट्रेनिंग के और डाइटरी इंटरवेंशन के साथ भी चेक करते रहिए अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को, सो दैट कि आपकी बॉडी में ट्रेनिंग की वजह से, ड्यू टू ट्रेनिंग अडेप्टेशन और ड्यू टू योर डाइटरी इंटरवेंशन, आपकी बॉडी में किस तरीके से ज्यादा बढ़िया आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंज आ रही है, मीन्स यू गेन योर लीन टिश्यू और यू शेड योर फैट मास। ओके, डिफरेंट स्पोर्ट्स है, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी कॉम्पोजिशन, लाइक स्विमर, बैले डांसर, रग्बी प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, बॉडी बिल्डर और सुमो रेसलर, डिपेंड ऑन देयर नेचर ऑफ एक्टिविटी और देयर फिजिकल एक्टिविटी इन दोज कंसर्न स्पोर्ट्स। फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी कॉम्पोजिशन, कौन कौन से फैक्टर आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन को या बॉडी वेट को कौन सी चीजें अल्टर करती हैं? जैसे मेल और फीमेल, हमें सभी को पता है कि मेल और फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मेल में फैट कम होती है, फीमेल में ज्यादा पाई जाती है, मेल का वेट ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू फीमेल। ओके, सेम हाइट के ऊपर और सेम अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए, एज डिफरेंट एज में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यंग एज में 20 से 30 साल में सबसे बढ़िया लीन टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में, आइदर मेल और फीमेल। आफ्टर 30+ फैट मास इंक्रीज होने लग जाता है, लीन टिश्यू कम होने लग जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लग जाती है, एज का इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर। रेस, डिफरेंट रेस हैव डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशन, लाइक नीग्रोस हैव डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशन, यूरोपियन पॉपुलेशन उनका क्लाइमेट डिफरेंट है, डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशन है, एशियन कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशन है। अगर चाइनीज मोंगोलनॉइड पॉपुलेशन जैपनीज की देखें तो उनका डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशन है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज लाइक हाउ यू आर ईटिंग, कैसा आपका डाइट है, क्या खा रहे हो आप, ये भी आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन डिसाइड करता है। इफ यू आर टेकिंग मोर एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ फैट और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन यू गेन फैट टिश्यू। इफ यू आर टेकिंग योर रिस्ट्रिक्टेड डाइट और टेकिंग प्रोटीन डाइट, देन यू मेंटेन योर लीन टिश्यू मोर। ओके, फिजिकल एक्टिविटी, लाइक आप कौन सी एक्टिविटी करते हो स्पोर्ट्स में, अगर आप एंड्योरेंस वर्क ज्यादा कर रहे हो जैसे मैराथन रनर्स कर रहे हैं,
तो उसमें क्या होगा, तो आपकी बॉडी लीन हो जाएगा, और बॉडी कंपोजिशन में मस्कुलेचर ज्यादा है, वेट कम है, लीन बॉडी या फैट कंपोनेंट लोअर एंड पे है। अगर हम आपकी बात करें दूसरी तरफ, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप हाइपरट्रॉफी मसल का साइज भी बड़ा होगा, साथ में फैट का कंपोनेंट भी हायर एंड पे होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसा कि मैराथन में होता वैसा नहीं होगा। ओके, हार्मोन स्टेटस आर द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन। लास्ट एंड द लीस्ट इज हार्मोन स्टेटस, जो आपकी बॉडी का डीएनए डिसाइड करता है, आपकी बॉडी के जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी का जो कोडिंग सिस्टम है डीएनए का, कि आपके मदर फादर के जीन्स जो हैं, आपकी बॉडी के हार्मोन वैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ एनवायरमेंट के इफेक्ट से भी हार्मोन का चेंज आता है बॉडी में, मेडिसिन का इफेक्ट हो सकता है, किसी रेज के एक्सपोजर से किसी ऑर्गन्स के ऊपर, जहां पे वो ऑर्गन हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, वहां से, जैसे हार्मोन की वजह से कुछ लोगों को थायराइड की वजह से हाइपो और हाइपर थायराइड से कुछ लोग काफी मोटे हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल थिन हो जाते हैं। तो हार्मोन भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्रोइंग चिल्ड्रंस में उनकी हाइट को बढ़ाते हैं। द समरी हियर इज ऑफ टूडेज लेक्चर इज कि हमने सबसे पहले बॉडी कॉम्पोजिशन के लेवल देखे थे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर सेलुलर टिश्यू और होल बॉडी। ओके, उसके बाद हमने बॉडी कॉम्पोजिशन को कौन सा मॉडल यहाँ पे डिस्कस किया है, फैट और फैट फ्री मास वाला मॉडल, जिसमें हम टिश्यू लेवल पे ऑर्गन लेवल पे आपकी क्लासिफिकेशन को एनालिसिस करते हैं। फिर हमने देखा है डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेशन बॉडी कॉम्पोनेंट कॉम्पोजिशन कॉम्पोनेंट्स, कैसे कैसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट गैजर से डिफरेंट मेथड से मेजर कर सकते हैं। कौन से हैं, डेंसिटियोमेट्रिक मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, वॉट पॉट, इलेक्ट्रिक मेथड, बायलिक बीआईए, डेक्सा, एक्सरे मेथड, अल्ट्रासाउंड, साउंड मेथड, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, स्किन फोल्ड मेथड, स्किन फोल्ड से और गर्थ मेथड। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे हम अपनी बॉडी की फिजीक को मैनुपुलेट कर सकते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन को कंपटीशन में सक्सेस पाने के लिए कैसे अपने गोल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सम केसेस लीड वांट टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट, कुछ गेम्स में बॉडी वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स हैं जिसमें अपना वेट रिड्यूस करके मेंटेन करने के लिए उनको डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। कौन से कॉमनली टू मेथड्स हैं, डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम, कैसी भी हमने ट्रेनिंग करनी है और कैसी डाइट करनी है, रेस्ट्रिक्टिव डाइट के ऊपर जाके, ये दो कॉमन मेथड पाए जाते हैं एथलीट्स में। बट इन सम केसेस जब हायर लेवल पे हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, डाइटरी सप्लीमेंट टू इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ फॉर देयर परफॉर्मेंस। लोअर लेवल पे कॉम्पिटिशन पे मैं आपको काइंडली सजेस्ट करूंगा सप्लीमेंट पे मत जाइए, डाइट और प्रॉपर नेचुरल डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम से आप बढ़िया अपने प्लेयर से आउटपुट ले सकते हो। जब एलीट लेवल पे जाओ तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट ऑन स्लाइड इज मेकिंग चेंज इन बॉडी कॉम्पोजिशन, लाइफस्टाइल शुड बी योर फोकस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एज पार्ट ऑफ रेगुलर प्रोग्राम। आपका मेन फोकस अपने लाइफस्टाइल पे होना चाहिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल के ऊपर, जिसको हम बढ़िया बना सकते हैं एक रेगुलर प्रोग्राम के जरिए। कैसे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एंड्योरेंस एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करके, और मॉडरेट एनर्जी इनटेक, और अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके, कैलोरीज का इनटेक रिस्ट्रिक्ट करके, रीअसेस योर बॉडी कॉम्पोजिशन ओकेजनली ड्यूरिंग प्रोग्राम, और टाइम टू टाइम अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को असेस करवाते रहे। दीज आर द सम बुक्स, डॉक्टर सोडी और डॉक्टर एस पी सिंह, दे आर टू मेन बुक्स, फर्स्ट इज स्पोर्ट्स एंथ्रोमेट्री, लास्ट वन इज ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट कंसेंट एंड एप्लीकेशन। एच एस सोडी की बुक में आप इंटरनेशनल लीड्स का डाटा देख सकते हो, डॉक्टर एस पी सिंह की बुक में आप जनरल एंथ्रोमेट्री जो हमने पढ़ाई है आपको, उसको डिफरेंट मेथड्स को डिटेल में पढ़ सकते हो। डॉक्टर सोडी की बुक में लाइब्रेरी में पटियाला के एन आई की अवेलेबल है, जबकि एस पी सिंह की बुक आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। जब आप पटियाला या मैंगलोर सेंटर में कहीं पे भी जाओगे तो एच एस ओडी की बुक को लाइब्रेरी से सर्च करवा सकते हो, वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। आपके 15 मिनट्स, 20 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए, लेंथी था कुछ लेक्चर, थोड़ा सा लंच में डिस्कशन करेंगे। मोस्टली मैंने काफी चीजें आपको डिस्कस कर ली हैं, फिर भी सम पर्सन हैव डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम। 3:30 फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा, क्या किनोइंग है, कयाकिंग, रोइंग, टेबल टेनिस और स्विमिंग है, और सेकंड वन इज शूटिंग। ओके,
लेट्स मीट 3:30, बाय।